पिछले काफी समय से हरियाणा के लोगों को निकाय चुनावों का बेसब्री से इंतजार था, पर किसी वजह से इन चुनावों में देरी हो रही थी। लेकिन अब इन चुनावों का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग ने नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसी के साथ निकाय चुनावों का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। अब आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नगर पालिकाओं में आरक्षण की सिफारिशें लागू कर निकाय चुनाव करवाने की तैयारियां करेगी। आपको बता दें कि आयोग को नगर पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिए जाने का काम सौंपा गया था। आयोग ने विभिन्न बैठकें आयोजित की और राज्य के सभी उपायुक्त से उनके जिलों की नगर पालिकाओं की संख्या, जनसंख्या का श्रेणीवार आंकड़े मांगे गए। साथ ही फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, करनाल और अम्बाला सभी मंडल मुख्यालयों में जन सुनवाई की और राजनीतिक दलों, संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की। गौरतलब हो कि विस्तार से चर्चा करने के बाद आयोग ने नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के नागरिकों को आरक्षण के अनुपात के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को दे दी है। बता दें कि नगर निगम का चुनाव फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर में होने हैं। इसके अलावा नगर परिषद के चुनाव अम्बाला सदर, सिरसा और थानेसर में होने हैं और नगर पालिका के चुनाव बराड़ा, भवानीखेड़ा, सिवानी, लोहारू, जाखल मंडी, फर्रुख नगर, नारनौद, आदमपुर, बेरी, जुलाना, सीवन, पुंडरी, कलायत, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावड़ू, हतीन, कलानौर, खरखोदा और रादौर में होने हैं, जिनके रास्ते में अब कोई बाधा नजर नहीं आती, बल्कि रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये चुनाव कब होने हैं। तब तक के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।